देखो ठीक है, अब DI का मतलब क्या होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन। किसी को लिखना है फुल फॉर्म, डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, डेटा को इंटरप्रेट करना। जैसे मान लो किसी का कोई जो है, थोड़ा सा डेटा देखते हैं, किसी की मान लो सैलरी है 10,000 महीने की, तो दिन का कितना हुआ जल्दी बता। डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब ग्राफ नहीं होता सिर्फ, ग्राफ के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे मैं स्पोर्ट्स का डेटा देख सकता हूँ कि मैच जीत रहे हैं हार रहे हैं, गेम्स टूर्नामेंट्स, वो भी DI होता है। ठीक है, अभी बता मैं दिन का कितना हो गया लगभग, तो दिन का मान ले हो गया 330 रुपया, एवरेज मान, अप्रॉक्स मान लेते हैं। अब सपोज कर ये इसको दिन में मिल रहा है, और ये इसको मिल रहा है 9 घंटे काम करके, तो 1 घंटे का कितना रुपया मिल रहा है उसको जल्दी से बताओ। नाइन थ्री जा 27, 60 कैरी हो गया, लगभग 36 रुपीज़ मिल रहा है उसको 1 घंटे का। तो उसके 1 मिनट का कॉस्ट क्या हो गया, सोच के देखो, अच्छा लगता है सोच के। 1 मिनट में, मतलब तू 1 मिनट बैठा है, कितने रुपए मिल रहे हैं तुझे 1 मिनट बैठने के? 0.6 रुपीज़ मिल रहे हैं, मतलब तुम 1 मिनट बैठे हो तो तुम्हारा 0.6 मिनट बन रहा है ऑफिस में। ये समझ आया? अब ध्यान से देखना, ये मान लो तुम्हारा पर दिन का खर्चा है। अब मान लो तुम यहाँ से जाते हो 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर तुम्हारा ऑफिस है, ठीक है, समझ आ रहा है? और तुम्हारे स्कूटी का माइलेज लगभग 40 किलोमीटर पर, 40 किलोमीटर होता है ना पर लीटर, एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, अब देखते रहो आराम से। तो दिन में वो 10 किलोमीटर चलाएगा तो कितने लीटर का तेल लग गया, सब डेटा इंटरप्रेट ही कर रहे हैं हम, ठीक है, कितना तेल लग गया भाई, 20-25 मत, एग्जैक्ट वैल्यू बोल। क्वेश्चन समझ आया? 10 किलोमीटर डेली कवर कर रहा है, और तेल जो है वो 1 लीटर में 1 किलोमीटर, 1 40, क्या बोल दिया मैंने, 1 लीटर में 40 किलोमीटर चलता है, और तेल का कॉस्ट है मान ले 100 रुपये ले लेते हैं, आसान सी वैल्यू लेते हैं, 100 रुपये पर लीटर। तो उसके कितने रुपए का तेल लग रहा है डेली पक्का? ये 10 किलोमीटर मतलब 1/4 लीटर खर्च होगा, मतलब 25 रुपया उसका लग रहा है तेल का, मतलब उसने दिन में नेट कितना कमाया, 305 रुपया अप्रॉक्स। समझ आ गया? ठीक है, तो ये भी जो चीज़ हमने करा ना, ये भी हमने डेटा को इंटरप्रेट किया है, समझ आ गया? और डेटा इंटरप्रेट करते हैं जो तुम्हारे रियल लाइफ से रिलेटेड है। मान लो स्विगी का ऐप है, ध्यान से सुनते रहना। अब उस पर किसी मैं सेलर हूँ, मैं शॉपकीपर हूँ, मैंने दाल बनाया, ठीक है। अब मान लो 1 किलो तुमने दाल यूज़ किया है, मतलब दाल यूज़ किया है उसमें पानी वानी डाल के, कितना किलो दाल बनता है, मतलब ये हमने दाल का रॉ मटेरियल डाला है, तो 1 किलो दाल से कितना दाल बनता है किसी को पता है कितना बनेगा, कभी सोचा है? ये मान लो तो 1 किलो दाल डाल रहा है, कोई दाल बनाने आता है तो एक, मतलब जैसे एक दिन का दाल बना, ट्रिपल पानी डलता है, चलो ठीक है, तो 1 किलो दाल में 4 किलो दाल बनेगा, ऐसा समझ लें। ये मतलब ये दाल का दाना है, ये पीने वाला दाल है, ठीक है। अब 4 किलो दाल बना 1 किलो दाल में, 1 किलो दाल कितने का होता है, 100 रुपये का ले लेते हैं इजी रखने के लिए, 100 रुपये का 1 किलो दाल है, पानी फ्री का होता है, तो पानी को नहीं, मसाला वसाला मान लेते हैं कि 5-10 रुपये का डाला होगा, तो 110 रुपये का दाल बन गया, समझ गया। 10 रुपये लेबर कॉस्ट ले लो रेस्टोरेंट में, 120 हो गया, मतलब मैंने 1 किलो दाल, मतलब 4 किलो दाल बनाया है 120 रुपये में, ये समझ आ गया। और ये कितने में बिकता है ये सोचना एक बार, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। सपोज करो ये बिकता है दाल, अगर तुम देखोगे ना तो 160 का होता है लिखा, लिस्टेड होता है, तो MRP लिखा हुआ है दाल का 160 रुपीज़, और उसमें सपोज करो 250 ग्राम दाल देता है, इससे ज़्यादा नहीं देता, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना, यहाँ तक समझ आ गया? ये सब हम डेटा इंटरप्रेट ही कर रहे हैं। अब मैंने मान लो स्विगी पे हूँ, तो मैंने बोला कि मैं भाई 50% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, ये मेरा MRP है, मतलब ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, मतलब मेरा इतना रुपया लगा है, समझ आ रहा है क्या? ये मेरा MRP है, मैंने लिख दिया है कि 160 का है, असलियत में वो 160 का नहीं है, असलियत में वो बहुत सस्ता है, ठीक है। अब 160 का अगर 250 ग्राम है, तो 4 लीटर कितने का होगा, एक सेकेंड मैं नाम लूंगा वही आंसर देगा,
नमन, अगर 250 ग्राम 160 रुपये का है तो 4 लीटर दाल जो उसने बनाया है वो कितने का बिकेगा? कितना होगा? सुबह सुबह इतने कैलकुलेशन की आदत नहीं होगी, है ना? आराम से सोच लो, ऐसे ऐसे सोच, टुकड़ों में सोच। 250 ग्राम 160 का है तो 1 लीटर कितने का हो गया? हाँ, 1 लीटर कितने का हो? ग्राम लिखा है भाई, इसको ML कर देता हूँ, ठीक है, 640 का हो गया। तो 4 लीटर कितने का हो जाएगा? इंटू 40, इंटू 4, तो 2560 का हो गया दाल उसने बेचा। बनाया कितने का था एक बार सोच के देखो, 120 का। समझ आ रहा है? अब उसने 50% डिस्काउंट भी दे दिया तो उसको 1280 रुपीज़ मिले हैं, तो उसने कितना कमा लिया देख रहे हो? 10 गुना सीधा। ये रियल लाइफ, मतलब ऐसे ही होता है। और अब उसमें एम्बियंस का खर्चा वो सब चला जाता है, पर फिर भी रेस्टोरेंट को बहुत पैसे बचते हैं, वेस्टेज भी होता है थोड़ा सा। ये समझ आया? ठीक है, ये सब डेटा इंटरप्रिटेशन था। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, ये बस मैंने थोड़ा सा वो दिया था। जैसे हम लोग खुश होते हैं ना कि 50% डिस्काउंट हो गया, उसको नुकसान कभी भी नहीं होता, ठीक है? लक्ष्य तुझे समझ आ गया? ठीक है, अब हम बेसिक DI स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बच्चों को लगता है ग्राफ वाला होता है वो, ठीक है? एक बार ग्राफ वाला DI देख लेते हैं। देखो, अब ग्राफ का DI हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम सब मैनेजर बनेंगे BBA MBA करके, ठीक है? तो ध्यान से देखो, तुम्हें कंपनी का सेल्स रिपोर्ट वगैरह प्रिपेयर करना होता है। मान लो तुम कंपनी में यहाँ पे ज्वाइन किए हो 2014 में, ठीक है? तो तुम प्रीवियस ईयर का डेटा देखोगे, 2013 का, 2012 का और 2011 का। सपोज करो इस साल कंपनी का जो सेल्स था ना, वो था लगभग 500 था, 500 मिलियन जो भी होगा। अगले साल वो 600 मिलियन हो गया, ठीक है? अगले साल कोविड था तो वो घट के 400 हो गया, ठीक है? और फिर इस साल मान ले 1100 हो गया। ये 4 डेटा मैंने दे रखा है, जल्दी से कॉपी में बना लो, अब मैं कैलकुलेशन सिखाऊंगा। तो ग्राफ में क्या होता है ना, हमें देख के पता चल जाता है कि बढ़ रहा है घट रहा है, वो तो दिख जाता है, ठीक है? अब मैं वैल्यू पूछ रहा हूँ कि 2012 में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ था। क्वेश्चन क्या पूछा? ये इतना आसान आता नहीं है, डेटा भी थोड़ा सा गंदा होता है। ये मैंने रैंडम डेटा लिया है। पंकज, 2012 में इंक्रीज हुआ है पिछले साल के तुलना में कितना परसेंट? 20%? 20% होगा? चिराग, अगर मैं बोलूँगा कि व्हाट वाज द इंक्रीज इन द सेल्स इन 2012, ठीक है? तो बाय लॉजिक हम हमेशा कंपैरिजन किससे करते हैं? पिछले साल से। अगर कुछ नहीं लिखा है ना, तो इस साल का तो ग्रोथ इसी से देखेगा ना। अगर लिखा है कि ये इसके तुलना में, मतलब 2014 में कंपनी खुली थी तो नेट कितना बढ़ा है, तब हम यहाँ से देखेंगे। अगर कुछ भी नहीं लिखा है ना, तो पिछले इमीडिएट पिछले साल से देखते हैं। अगर मैं पूछूँ 2011 में क्या ग्रोथ हुआ था, बता पाओगे? नहीं, उस साल तो कंपनी खुली थी, समझ आ रहा है? तो इस साल कितना चेंज हुआ है? अब चेंज अगर तुम देखोगे तो चेंज की वैल्यू, एक होती है चेंज की वैल्यू और एक होती है परसेंटेज चेंज, समझ आया? अब चेंज की वैल्यू कितनी होती है, वो तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 100। लेकिन ध्यान से सुनते रहना, परसेंटेज चेंज ज़्यादा अच्छा कंपैरिजन होता है। इसका लॉजिक किसी को पता है? लॉजिक पता है परसेंटेज चेंज क्यों देखते हैं? मैं बताता हूँ क्यों देखते हैं। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल हमेशा नीचे आता है, क्योंकि हम यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं, जो जिसे कंपेयर करते हैं वो नीचे आता है। तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 अपॉन 500, तो ये 1/5 होता है। 1/5 20% होता है, काटने पीटने की जरूरत नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन के लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं है। ये समझ आ गया? ठीक है, अब ध्यान से देखना,
मान लो एक और कंपनी है साथ में, जिसका इनिशियल जो है ना वो 5050 था, या अभी इजी रखता हूँ 5000 ले लेता हूँ, और इसका अगले साल था 5500। ठीक है, तो अगर मैं वैल्यू के हिसाब से चेंज देखूंगा ना, तो चेंज वैल्यू के हिसाब से ज़्यादा है, समझ रहे हो? वहाँ 100 था, यहाँ पे 500 है, बट किस कंपनी का ग्रोथ ज़्यादा अच्छा हुआ है? ऊपर वाले का, क्योंकि हम अगर ऑलरेडी मेरे पास 5000 रुपये का एसेट है और मैंने 500 कमाया है, मतलब मैंने परसेंटेज में कितना कमाया है, 10%, तो परसेंटेज आप समझ आ गए ज़्यादा अच्छा कंपैरिजन क्यों होता है। जैसे मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल है, नंबर ऑफ क्राइम्स का डेटा अगर देखोगे, तो अगर तुम नंबर देखोगे तो ये यहाँ से ज़्यादा है, क्योंकि न्यूज़ में आता है और ये ज़्यादा कवर भी होता है, ज़्यादा कवर नहीं होता। ठीक है, अब ये नंबर यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो परसेंटेज में अगर तुम चेक करोगे ना तो ये ज़्यादा है। जैसे इंडिया और यूएस को भी देखोगे ना, तो नंबर इंडिया का ज़्यादा है बट परसेंटेज में वो ज़्यादा है। ये समझ आ गया? नहीं समझ आया? वैल्यू वाइज ज़्यादा मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, समझ रहे हो? जैसे जीडीपी तुम लोग सुनते हो, जीडीपी पता है पंकज क्या होता है? कुछ सब कभी सुना ही नहीं जिंदगी में, क्या होता है, होता क्या है, कुछ होता है ठीक है, जिससे कंट्रीज को कंपेयर करते हैं, ऐसा समझे? मतलब कितना नेट गुड्स प्रोड्यूस वो सब मिला के होता है। ठीक है, अब तू देखेगा तो इंडिया का जीडीपी वाइज देखेगा तो यूएस से इंडिया कम है, समझ रहे? उल्टा बना दिया, लेकिन परसेंटेज में सुनता होगा कि चाइना और इंडिया हमेशा ऊपर रहते हैं, सुना है कभी? इंडिया चाइना हमेशा ऊपर रहता है, पॉपुलेशन का कोई रोल नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब इसका लॉजिक क्या है? मान ले यूएस ऑलरेडी 4000 रुपये पे है और इंडिया मान ले 40 रुपये पे, चाहे इतना भी कम नहीं इंडिया, वैसे मान ले इंडिया 800 रुपये पे है। अब ये ट्रिलियन बिलियन में उस पर ध्यान नहीं दे रहा, अब तुम सोचो कि ये अगर 10, ये मान लो 1% भी बढ़ा तो कितना बढ़ेगा, कोई नहीं बोलेगा, 1% भी बढ़ा तो कितना बढ़ेगा, 40। और ये मान लो 10, ये मान लो 5% बढ़ा तो कितना बढ़ेगा, तो ये कितना, 40। मतलब तुम सोच रहे हो ये चीज कि दोनों 40 बढ़े हैं लेकिन इसका ग्रोथ ज्यादा है क्योंकि बेस छोटा है, तो अगर बेस छोटा होता है ना तो परसेंटेज बड़ा होता है, सबको पता है। अगर दो फ्रैक्शन है ए बाय बी और ए बाय सी, तो दोनों का ऊपर अगर सेम है न्यूमरेटर और बी अगर सी से बड़ा है तो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, समझ आया? करके देख लो 1/2 और 1/3 कौन सा छोटा होता है, 1/3, समझ आ गया? अब इसको जो भी लिखना है कॉपी में लिख लो, अपने वर्ड्स में भी लिख लेना कि डिनोमिनेटर छोटा होता है तो फ्रैक्शन बड़ा होता है, समझ आ रहा है कुछ? ठीक, जैसे मेरी दाढ़ी 1 सेंटीमीटर बढ़ी और तेरी भी 1 सेंटीमीटर बढ़ी तो मेरा परसेंटेज चेंज होगा 100%, समझ रहा है? क्योंकि अभी वो 1 सेंटीमीटर की है, तेरा होगा मान ले कितना परसेंट होगा, 3 सेंटीमीटर दाढ़ी है तो 33% होगा, समझ आया? गेम्स टूर्नामेंट चैप्टर जो है ना वो भी डीआई का पार्ट है, एलआर का पार्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें भी हम गेम्स देखते हैं, पॉइंट्स देखते हैं, तो वो अरेंजमेंट, बेसिक अरेंजमेंट, जो अभी थोड़े दिन पहले किया था, टीम फॉर्मेशन कि ये कौन सी टीम बनेगी, वो सब बाइनरी लॉजिक, ब्लड रिलेशन, डिकोडिंग डिकोडिंग, ये सारे चैप्टर्स लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होते हैं और ये डेटा का पार्ट होता है, केस, ये ग्राफ, वो वाला ग्राफ, 5 3 4 4 ऐसे एल आर ज़्यादा आते हैं। बढ़े आगे, फील आ रही है? ठीक है, अरे यार मैं इसको हटा दिया, रहने दो इसको, मुझे कुछ एग्जांपल लेना था मैं भूल गया। सपोज करो तुम लोगों ने पहला मॉक दिया, रिदम आवाज आ रही है ना? एक बार सब लोग ऑनलाइन वालों लिख देना, समझ आ रहा है क्या? यस नो लिख देना बस, ठीक है। मैं फिर भूल गया क्या बोला था। मान लो तुमने मॉक 1 दिया, तो मॉक 1 में तुम्हारे जनरली स्कोर कम आते हैं, मान लो 50 आया 300 में से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मॉक 1 देते टाइम सिलेबस पूरा होता भी नहीं है। मॉक 2 दिया तो मान लो तुम्हारे 70 हो गए, मॉक 3 दिया तो मान लो तुम्हारे 90 हो गए, और मॉक 4 दिया तो 100 हो गए।
मॉक 5 दिया तो 120 हो गए, ठीक है। अब बताना सबसे ज़्यादा परसेंटेज चेंज किस मॉक में आया था, क्वेश्चन समझ आ गया बताओ, सबसे ज़्यादा परसेंटेज चेंज किस मॉक में आया था। अब मैं आंसर तुम लोग कैसे दोगे, मॉक 1 में तो चेंज हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, 2, 3, 4, 5 चार ऑप्शन है, और सब लोग आंसर बोल के नहीं दोगे, हैंड रेस करके दोगे, ठीक है। पर उससे तो मतलब ही नहीं है फुल मार्क्स से, हम तो मार्क्स को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो फुल मार्क्स से तो मतलब ही नहीं है, नहीं समझा क्या? मैंने बस इतना समझाया कि बोलना नहीं है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। कितना है बोल, देखते हैं। फॉर्मूला ये लिखा है, जिनको फॉर्मूला से प्यार है, क्या देखते हैं, सेकंड है सबका आंसर। देखो अगर मैं यहां पे देखूंगा तो 50 से 70, तो 20 बढ़ा है, लेकिन कहां से बढ़ा है, 50 से, तो 2/5 40% बढ़ा है। अब समझ आया, यहां पे भी 20 बढ़ा है लेकिन डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, 2/7 28% होगा। यहां पे तो चेंज ही 10 है, तो मैं तो इसको कैलकुलेट भी नहीं करूंगा, और यहां पे भी 20% है, तो समझ आ गया। तो ये सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट था, तो तुम लोग अगर देखोगे ना कि लड़कियां बहुत फोन करती हैं, ठीक है, अगर तुम लोग देखोगे ना कि मॉक में जब दोगे ना, तो यहाँ से यहाँ पहुँचना बहुत आसान होता है, लेकिन फिर यहाँ से यहाँ पहुँचना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, और यहाँ से 150 पहुँचना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि इतने मार्क्स पे तुम्हारे 99% आ जाते हैं, जितने मेरे आते हैं ना, 150-160 आते हैं मेरे, जिसमें से इंग्लिश में 50 रहते हैं, 40 रहते हैं। इंग्लिश में अगर तुम्हारा 50 नंबर आ रहा है ना, तो भी 90% से ऊपर होगा, 99 नहीं होगा, 90 से ऊपर होगा। सेक्शनल कट ऑफ लगभग 85 रखते हैं, ये बीटेक वालों का है, तो उससे ऊपर होना चाहिए, तुम्हारा 80 होगा, कुछ अलग अलग रहता है, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ समझते हो, तीन मान लो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एक क्या क्या आता है, क्वांट, रीजनिंग और वर्बल, ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले वर्बल आएगा, फिर LRDI आएगा, फिर क्वांट आता है, ठीक है। तो अगर मान ले तेरी ये बहुत अच्छी है, तब इसका मतलब ये नहीं कि तू 2 घंटा इसको करेगा, इसको 5 मिनट करेगा, तुझे तीनों को एक एक घंटा देना पड़ेगा, वो ऐसे सेट होता है टाइमर, तो 1 घंटे बाद ये आएगा, फिर ये आएगा। अब ते मान ले इसमें तेरा, मान ले इसमें तेरा ना 80 नंबर है, इसमें तेरा 80 नंबर है, इसमें तेरा 5 नंबर है, तो तुझे कहीं से कॉल नहीं आएगा, ठीक है। सेक्शन मतलब सबका एक मिनिमम मार्क्स आना चाहिए, ये सिर्फ IIMs के लिए है, बाकी कॉलेज सिर्फ नंबर देख के कॉल कर लेते हैं, जैसे FMS है ना दिल्ली वाला, वो तुम्हारा ओवरऑल देख के कॉल करता है, उसको सेक्शनल से मतलब नहीं है, उसमें नहीं देखते सेक्शनल। मेरे दोस्तों ने यही बोला था मुझे कि तू पर कॉल आ जाता है, अच्छा मेरे टाइम नहीं करते थे फिर, क्योंकि मुझे दोस्तों ने बोला था कि अगर तू फॉर्म SPGEN वगैरह GIM किसी में नहीं करते, और शायद FMS में भी नहीं करते थे, BHU में भी नहीं करते हैं, देख लेता हूँ वो तो, मुझे ऐसे पहले लाओ तो मेरा 98.7% था जब पहली बार दिया था, तो मेरे इंग्लिश में 25 नंबर थे, 47, अब 47% थे तो IIM तो कॉल नहीं करेगी, बट मेरे दोस्तों ने बोला था FMS का फॉर्म भर देता तो वो कॉल कर लेते, इसलिए ये मुझे याद है, ठीक है। चलो कहाँ पे थे हम, ये रिकॉर्डिंग में चला गया क्या, अच्छा बात मत करो। अब ध्यान से देखो, मैंने पिछला डेटा बहुत ही प्यारा लिया था, 500 और 600 लिया था, एग्ज़ाम में डेटा थोड़ा सा टफ लेंगे, तो अब हम टफ डेटा लेते हैं। मान ले कि यहाँ पे 568 का सेल्स है, और यहाँ पे जो है ना 658 का सेल्स है, अब मुझे बताओ कितना परसेंट चेंज है। अब शुरू होगा, अब इसमें कैलकुलेटर यूज़ करेंगे बच्चे, तुम लोग बिना कैलकुलेटर के आंसर बताओ, तुम लोग भी ऑनलाइन में आंसर दिया करो, ठीक है। अप्रोक्स yeah,
एग्जाम में अप्रॉक्सी बताना होता है, यही तो मेन मिथ है। कितना? 16, 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
ऑप्शन है 15%, 18%, 21%, ए बी सी डी। अब हाँ सी सी। अच्छा एक चीज समझ आई पंकज कि पिछले क्वेश्चन से क्वेश्चन टफ हो गया किस वजह से? कंसेप्ट तो वही है कैलकुलेशन की वजह से, और कैलकुलेटर यहाँ पे यूज देखते हैं कैलकुलेटर यूज करना है कि नहीं करना है। ध्यान से देखो इधर क्या आंसर है, एक ही बच्चे ने दिया लक्ष्य और लक्षित आंसर दो, और प्राइवेट चैट में आंसर देना। एक कौन सा ऑप्शन ए बी सी डी? जब मैं ए बी सी डी बोल चुका हूँ ए बी सी डी बोलो ना। बी कितने लोगों का ए है? एक भी नहीं। बी आधी क्लास का बी है, और आधी क्लास का फिर सी होगा। डी किसका है? इधर एक ऑनलाइन में डी है। स्टार्ट करें, तेरा आंसर क्या है? ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है, जिन बच्चों को नहीं पता होता ना वो क्या करते हैं, पूरा कैलकुलेट करते हैं। अब अगर मैं पूरा कैलकुलेट करने जाऊं तो 8 - 8 = 0, 5 - 6 = 9 और 0/568 × 100, ये मेरा पूरा प्रोसेस है। अब अगर मुझे ट्रिक्स नहीं पता तो या तो मैं कैलकुलेटर यूज कर लूंगा, 90/568 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखते हैं बिना क्योंकि और बाकी एग्जाम्स में कैलकुलेटर नहीं है तो हमें हैबिट नहीं डालनी कैलकुलेटर की। ध्यान से देखो अगर मैं इसको काटने जाऊँ एग्जैक्ट, तो 2 से काटोगे 284, फिर 2 से काट दोगे इसको, फिर 2 से काटोगे इसको, फिर 2 से इसको काटोगे 142, फिर 2 से काटोगे इसको, फिर 2 से काटोगे इसको 71। अब ये प्राइम नंबर है कटेगा ही नहीं, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर 71 से डिवाइड करोगे, तो ये तो हो गया खत्म केस, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना। तो एग्जाम में क्या होता है ना कि तुम लोग अप्रॉक्सीमेशन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करना भी कोई आसान काम नहीं है, अप्रॉक्सीमेशन में सोचना पड़ता है कि कितना परसेंट होगा, 1% 2% में आंसर चेंज हो सकता है, समझ आया? तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अंदाज़ा लगाऊँ कि यार 90 है और अपॉन में 570 के लगभग है, समझ आ रहा है? ये 560 है ना, एक सेकेंड, ये 568 है। तो मैं अप्रॉक्सीमेशन करूँगा कि इसका एक काम करते हैं 10% रूल सीखते हैं। इसका 10% कितना होता है? 56.8, तो मैं उसको 57 लिख देता हूँ, चलता है। अब ध्यान से देखना 20% कितना होगा फिर? 114, इसका डबल, मतलब आंसर 10 और 20 के तो बीच में है, तो एक तो गया, समझ आया क्या हुआ? अरे 10% 57 होता है, 20% 114 होता है, उसके बीच में है ना आंसर, ये नहीं समझ आया तुम्हें? आया समझ? तुम्हें समझ आया? ठीक हो, अगर ये फाइव, ये मान लो 570 है, ठीक है, मान लो 90/570 है, बात मत करो कितनी बार बोला है मैंने, सपोज करो यहाँ पे ना 57 होता तब तो ये 10% है ना, क्योंकि 1/10 है, ये दिख रहा है? हाँ या ना बोलना, तुमसे बात करो। अगर ये 114 होता तब ये इसका डबल है तो 20% होता, ये समझ आ रहा है? अभी नंबर उन दोनों के बीच में है ना, तो आंसर 10 और 20 के बीच में होगा, ये तुम्हें बिना लिखे हुए, मतलब ये तुम्हें लिखने की जरूरत भी नहीं है, तुम देखोगे मतलब स्क्रीन पर रहेगा क्वेश्चन, तो 90 का गैप है और 10% 56 होता है, डबल इसका इतना होता है, तो 10 और 20 के बीच का आंसर है, एक तो उड़ जाएगा। अब मान लो तीनों ऑप्शन अजीब से हैं, 20 से बड़े हैं, तब तो मेरा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया, ये समझ आया? तो कैलकुलेशन डिपेंड करता है ऑप्शन कितने क्लोज हैं, ठीक है? अब हम आगे करेंगे, ध्यान से देखो ये किसके ज़्यादा क्लोज है, 90 जो है इसके या इसके, किसके ज़्यादा क्लोज है? 114 के, मतलब आंसर जो है वो 15 से बड़ा होगा, मतलब इसके ज़्यादा क्लोज है, तो 15 से बड़ा होगा तो ये भी गया, समझ आ रहा कैसे कर रहा हूँ? वापस बताऊँ, आ गया ना? इसके बीच का नंबर जो है ना, इसके बीच का नंबर जो भी होगा, तुम देखो ना ये इसके क्लोज है, मतलब 15 से बड़ा होगा, समझ आ रहा है? ठीक है, अब मेरे पास दो ऑप्शन बच गए। अच्छा 15% निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, कैसे? अगर 10% 57 है तो 5% 28 होगा उसका आधा, तो 57 + 28 कितना होता है? 85 होता है, ठीक है। अब 85 के बहुत क्लोज है ये, तो आंसर हम चूज कर लेंगे ये बी। अब मैं बताता हूँ क्यों, यहाँ तक समझ आया? मैं वापस पूरा समझा रहा हूँ, किस किस को पूरा समझ आ गया हैंड रेज कर दो, जिनका सी आंसर था उनको भी समझ आ गया बी है, ठीक है। ऑनलाइन में समझ आ गया, ठीक है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि 15 और 18 में कैसे चूज करते हैं, और ध्यान से सुनते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रिक्स। 10% निकालना बहुत ही क्विक होता है, 10% किसी भी चीज़ का कैसे निकालते हैं? खुशी, यहाँ पे डॉट लगा के खत्म।
अगर 10% तुमने निकाल लिया है तो 20% निकालना भी बहुत आसान है 114, और 15% भी निकालना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि 10% का आधा ही तो होता है 5%, जोड़ लो तो 28 जोड़ के 85 आ जाएगा। ये हो गया हमारा 15%। हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू है 90। अब ध्यान से सोचता रहना, अब मुझे देखना 18% मतलब हमें 3% और जोड़ना है। तो सबसे पहला होता है 10% निकालना, दूसरा होता है 1% निकालना। 1% कैसे निकालते हैं? डॉट कहाँ लगता है? यहाँ पे, एक डेसिमल और पीछे। समझ आ रहा है? 10% और 1% में एक जीरो ही तो एक्स्ट्रा है, तो 1% होगा 5.7। अगर मैं इसमें 1% भी जोड़ देता हूँ तो ये कितना बन जाता है? 90 बन गया। मतलब ये 16 कायदे से ये 16% आंसर होगा, बट ऑप्शन में 15 है तो 15 चूज करेंगे, 18 तो गया। अब अच्छे समझ आ गया? इसको एक बार इसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करो। लक्षित समझ आ गया क्या? आंसर 17 आ जाता तो, ऑप्शन में होता तो ठीक है। चलो पहले इसको एक बार डाइजेस्ट कर लो, फिर मैं ऑप्शन चेंज करके बताता हूँ। अच्छा एक चीज़ सोचना, मैंने 1% जोड़ा तो ये 90 से बड़ा हो जाएगा ना, 5.7 जुड़ के ये 90 पॉइंट समथिंग हो गया, मतलब आंसर 16 से छोटा है एक्चुअली में, 15.89 है। समझ आ रहा है? तो हम 17 पे तो जाएंगे नहीं, 16 और 15 रहेगा तब तू सोचेगा कि सर अब क्या करें, तो तुम सोचोगे कि किसके ज़्यादा क्लोज है। 16 के ज़्यादा क्लोज है ना, 16 बिल्कुल ही क्लोज, 90 पॉइंट समथिंग है। कैलकुलेटर से देखो कितना क्या आंसर आता है, 15.8 आ रहा है ना। समझ आया? अब ये चीज़ मैंने धीरे धीरे बताया है, अगर तुम्हारी स्पीड फास्ट होगी ना, मतलब सीख जाओगे, तो तुम कैलकुलेटर से जल्दी कर लोगे। क्योंकि कैलकुलेटर कैसा होता है, कैलकुलेटर के लिए तुम्हें एक बार यहाँ क्लिक करोगे तो स्क्रीन पे खुलेगा, फिर तुम क्लिक करोगे 9, माउस से करना है, और माउस बहुत ही घटिया होते हैं जनरली सेंटर्स के, क्योंकि वो एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं, वहाँ हर संडे होता रहता है कुछ कुछ। 90 फिर अपॉन 568 करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है? लेकिन जितने देर में टाइप करोगे ना, उतनी देर में तुम खुद कर सकते हो। एक और ले क्वेश्चन, चलो इसको अपने कुछ लिखना है तो लिख लो। अब अगर कोई पूछेगा सर अगर 15.81 और 15.82 रहा, तो सिंपल सी बात है तब कैलकुलेटर ही यूज करना, तब मैन में मत करना। जनरली ऐसे ऑप्शन बैंक पीओ में होते हैं, तुम्हारे में नहीं होंगे। मान लो अगले साल जो है ग्रोथ बढ़ के हो गया 842, अब अप्रॉक्स जल्दी से बताओ, परसेंटेज चेंज बताओ। मैं ऑप्शंस भी दे देता हूँ, चार ऑप्शन दे दिए, आंसर सिर्फ ABCD देना, देखते हैं कौन सा। इधर आंसर तो जल्दी, अगर तेरे स्क्रीन पे पंकज ये दो नंबर्स हैं तो तू लिख के घटाएगा, ऐसे ऐसे मत घटाया कर, देख कैसे घटाते हैं। देख 2 माइनस, स्क्रीन पे से डायरेक्ट लिखना 2 माइनस 8, फिर ये बन जाएगा 4 5, 3 3 माइनस 5 है, सही कर रहा हूँ क्या मैं? ठीक है 184 आ रहा है, ठीक है। चल बे 18% तो साफ साफ गलत है, वो तो साफ दिख रहा है। 10% कितना होगा बताना, किसका ले रहे हो 10%? इनिशियल का लेते हैं 65। 20% कितना हो गया? 130, 180 है ये, तो ये तो कैसे साफ गलत है, गलत है तेरा माधव जग, जल्दी बाजी में गलत किया ना तेरा, ठीक है 2 आंसर होगा 28% मेरे हिसाब से, मैं भी गलत हो सकता हूँ। स्टार्ट करें, इधर आंसर क्या आया सबका? ए आंसर है, ये कहाँ से आ रहा है? डिफरेंस मैंने सही लिया है ना, ये आएगा, ठीक है। एग्जाम में डिफरेंस कैसे लेता हूँ मैं, डिफरेंस में भी आलस करता हूँ मैं, देखता हूँ कि 650 है तो ये 190 के करीब है, तो ऐसे 190 180 लिख लेता हूँ, चलता है, ठीक है।
तो मैं वन, अभी तो मैंने निकाल लिया है 184, नीचे क्या आएगा 658। अब इसके बाद जो चीज़ें होती है ना वो हम, मैं लिख के बता रहा हूँ पर तुम्हें सोचना मन में है। हम सोचेंगे 10% 65 है तो ये 36 या 18 होता है, तो 30% के करीब है, तो 30% निकालोगे तो आ जाएगा 195। तो 30% से छोटा है ये, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, टिक लगा दो, ख़त्म। अब समझ आया, आगे समझ। ये 18 कहाँ से सोचा तूने? ठीक है, अब सपोज करो ऑप्शन में चेंज कर रहा हूँ, ये ऑप्शन है तो ये हो गया मान ले 10 सेकंड के अंदर हो चुका है। क्यों 10 सेकंड के अंदर हुआ? डिफरेंस करने का 2 सेकंड, 65 का 30% सोचने का 2 सेकंड, और उससे कम होगा 1 सेकंड, 5-6 सेकंड का होता है ये। कैलकुलेटर में तो तब तक तो टाइप ही करता रहेगा। आया समझ? अब मान लो ऑप्शन मैंने चेंज कर दिया 29 और 27। अब बताओ, अब तुम्हारा एक और सवाल। जल्दी से आंसर दो। लक्ष्य, लक्षित और रिदम, तीनों का गलत था आंसर। अब समझ आ गया 28 होगा। अरे ऐसे झुक रहा हूँ तो डबल चिन्ह दिख रहा है, तेरा डबल चिन्ह भी नहीं दिखता होगा, दाढ़ी में छुप जाता है। मुझे नहीं पता, देख लो। सौरभ तुझे समझ आ रहा है इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, जब क्लोज आंसर्स होते हैं तो हम किस पे चले जाते हैं? 1% पे। हम एक एक करके घटाते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, अब 30% हमारा 195 था। खुशी, 1% इसका क्या होगा? 6.5। तो 1% अगर मैं घटाता हूँ तो 29 पे पहुँच जाऊँगा, और 1% घटाने से 6 घटेगा, 189 आ गया लगभग। मतलब ये तो और एक बार और घटाना पड़ेगा तब शायद मैं पहुँच जाऊँ। तो आंसर क्या होगा? समझ आ गया? समझ अच्छे से एक और दूँ। मान लो अगले साल सेल्स फिर से बढ़ गया और अब हो गया 1,332 रुपया। अब परसेंटेज चेंज बताओ। एग्जाम में क्या होता है ना कि ग्राफ्स कहाँ से लेते हैं? पेपर, न्यूज़पेपर से उठा लेते हैं मान ले। तो डेटा रैंडम होते हैं तो तुम्हें अप्रॉक्सीमेशन आना चाहिए। वो सजा के नहीं देंगे 800, 900, 1100, वो डेटा ऐसा ही आता है। करो जल्दी से, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। आ गया? अच्छा, मैं भी करता हूँ इसको। कुछ कर लो पहले भाई, रुक जा अब तो। दे रहा हूं, चल ABCD। लिफ्ट मांग रहा है क्या? ऐसे कर रहा है। बी सी चेंज क्यों करता है आंसर? ए, कितने लोगों का ए है? बी सी, सबका सी है। तेरा इधर सी, डी किसी का है क्या? वैसे बहुत दूर है तो होगा नहीं, वैसे इसमें कंफ्यूजन। देख, करें स्टार्ट, मैं समझा रहा हूँ, देख लो। सबसे पहला स्टेप क्या है? डिफरेंस लेना। तो पीछे 0, पीछे 9 और पीछे 4, ये होगा डिफरेंस, यही है। मैंने 500 लेके किया था। अब ध्यान से देख रहा, नीचे क्या आएगा? नीचे जो भी आएगा मैं लिखता नहीं हूँ, अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। अब मैं देखूंगा 10% 84 है। अब मैं सीधे सोचूं, अब मैं 20-30 ऐसे नहीं निकालता, टेबल्स का फ़ायदा होता है। तो 8 6 होता है 48, तो मैं 5 और 6 निकालूंगा सीधे। तो इसका 5 टाइम्स करोगे ना तो 420 आएगा, और 6 टाइम्स करोगे तो 504 आएगा। तो आंसर इन दोनों के बीच का है, इसके ज़्यादा क्लोज है, 60 के ज़्यादा क्लोज है। टिक लगा दो, ऑप्शंस पे नोटिस क्या करो। समझ आ गया? तो मैं वापस बताऊं, 10% कितना होगा? खुशी, 10% जा रहे हैं, इसका 10% देखना है कितना होगा। 84 होगा 10%। 10% में एक डेसिमल शिफ्ट होता है, 1% में दो शिफ्ट होता है,
और 1% हमेशा काम नहीं आता, 1% कब काम आता है जब ऑप्शंस पास में हो, ठीक है। और 10% निकालेंगे कितना होगा, 84, समझ आ गया। अब मैं सीधे सोचूंगा कि 84 उसका 10% है, ऊपर जो है 490 है, तो 8 6 48 होता है, तो मैं इसका 60% निकालूंगा सीधे। तो इसको 6 टाइम्स करोगे ना तो 504 आएगा, 6 4 24, 2 कैरी, 6 8 48, 504 आ गया। अब तुम देखो ध्यान से, हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से इसके बहुत करीब है, दिख रहा है, थोड़ा सा कम है और करीब है, तो 50 60 से छोटा आंसर यही है, और कोई है ही नहीं, तो ख़त्म। अब मैं ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन में ऐसा दे दूँ 56%, 58%, 60% एंड 54%, अब क्या चूज़ करोगे? देखो यहाँ पे कैलकुलेशन इससे ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा, 10 सेकेंड और, क्योंकि मुझे 1% 2-3 बार घटाना होगा। कुछ ही समझ आ रहा है? कभी दुकान से सामान खरीदा है? कभी ऐसे मतलब कभी देखा है वो चावल निकाल के डालता है फिर हल्का हल्का हटाता है, तो वही करना है, चावल हटाना है। देखो 60% होता है 504, अब मैंने ज़्यादा डाल दिया है, अब मैं थोड़ा थोड़ा निकालना पड़ेगा, तो 1% निकालूंगा तो 1% होता है 8, तो 8 घट के 496 पे आ गए, हमें जाना है 490 तक, तो मुझे 1% के लगभग और घटाना होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा लगभग 488 आ रहा है, अब 8 घटा के, तो आंसर जो है 58% चूज़ कर लेंगे, समझ आया। एक और आगे लेवल चलें अब, चलो अब मान लो ऑप्शंस हैं 58.6, 57.9, 59.1, सॉरी 58 पॉइंट्स में जा रहा हूँ, ठीक है, 58.4%। तो ऐसे केस में हम कैलकुलेटर यूज़, मैं खुद कैलकुलेटर प्रेफर करता हूँ, लेकिन इस तरीके से कैसे करेंगे देख लेते हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम में तो होगा नहीं कैलकुलेटर, तो इस तरीके से कैसे करेंगे मैं खुद बताऊँ या सोचोगे? मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से देखना, अब ऑप्शन ज़्यादा ही क्लोज हैं, ठीक है, और सिंस कैलकुलेटर है तो हम कर लेंगे, नहीं है तो हमें करना पड़ेगा जुगाड़ से, अगर जुगाड़ क्यों, क्योंकि अगर तुम इसको उस मेथड से करने चले गए ये तो और ख़त्म है, काटने पीटने लग गए ना, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अब 1% इसका होता है 8 पॉइंट, अब सिंस ऑप्शंस क्लोज है ना तो मैं अब एग्जैक्ट वैल्यू लूँगा, तो 1% 8 लिया था मैंने, अब 8.4 लूँगा, तो 8.4 लेते हैं यहाँ पे, तो ये 495.6 आएगा, और फिर इसको 8.4 लोगे तो 8.4 घटाना है ना, ये आ रहा है, समझ आ गया, हमारा आंसर है 490, तो 58 से बड़ा होगा। अब देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, 0.1% ऐड करेंगे, क्योंकि डेसिमल्स में चेंज हो रहा है, तो 0.1% क्या होता है, डॉट लगेगा यहाँ पे, अब 10% 1% 0.1%, तो 0.8 हम घटाएंगे, सॉरी ऐड करेंगे, ठीक है। हमारा यहाँ तक कितना परसेंट हो गया है, 58% हो गया। अगर मैं 0.1% ऐड करता हूँ तो क्या आएगा, 488 आ जाएगा। 0.3% ऐड करूँगा तो लगभग मैं बिल्कुल क्लोज पहुँच गया, देख रहे हो, 0.3% जोड़ोगे ना तो 490 के करीब पहुँच गए बिल्कुल, तो आंसर हम ये वाला चूज़ करेंगे, समझ आ गया। कैलकुलेटर से देखना सेम आ रहा है क्या, तुझे समझ आ गया क्या, वापस बता देता हूँ, लेकिन ये वर्स्ट केस में है, तुम लोग इसको देख के डरना मत, तुम्हारी आदत क्या होती है, आसान चीज़ों को इग्नोर करके टफ चीज़ों से डरते हो, जैसे कैट का पेपर बोलते हैं कि टफ होता है, कायदे से बहुत आसान पेपर है अगर तुम इजी क्वेश्चंस चूज़ कर पाओ तो, ठीक है। आईपी मैट में भी यही होता है, देखो ये आ रहा है आंसर 58.4, ठीक है, को क्यों आ रहा है बताओ, बताओ थोड़ा सा चेंज क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ 84 लिया है ना, कायदे से वो भी 84.2 है ना, इसलिए चलता है, लेकिन इतना क्लोज होता ही नहीं एग्जाम में, मैंने वर्स्ट केस के लिए बताया था ये, एक बार वापस बता दूँ, देख मैंने पहले तो यहाँ पे 8.4 लिया था, तो जो पहले 488 था ना, 487.2 हो गया, और ये हम कहाँ तक पहुँच गए, एक एक घटा के 58 तक, मतलब 58% हम निकाल चुके हैं पंकज, वो है 487.2। अब मुझे हल्का सा बढ़ा के ना 90 तक जाना है, तो मैंने क्या किया, 0.1% जोड़ दूंगा तो ये फिर से बढ़ के इतना आ जाएगा, तो मैं 0.1% जोड़ रहा हूँ, 0.1% कितना होता है इसका, 0.8, तो 0.8 जोड़ के कितना आएगा ये देख, 487, तो ये 488 पे जाएगा, फिर 0.2 जोड़ेगा तो 488.8 पे जाएगा, फिर 0.3 जोड़ेगा तो 488.8, समझ आ रहा है, 489.6 पे जाएगा, फिर 0.4 के करीब जाओगे ना तब ये पहुँचा यहाँ पे, अब समझ आया ये, लेकिन इतना करना नहीं है, ये मैंने वर्स्ट केस के लिए समझाया है कि चल क्या रहा है, इसको लिखना है, लिख लो, नहीं भी लिखोगे चलेगा,
और कैट में तो मैं इसको करूंगा नहीं, मैं तो कैलकुलेटर यूज कर लूंगा ऑप्शन, ठीक है आ गया समझ। चलो एक और करते हैं, अदिति समझ आ रहा है। अगले साल ग्रोथ डिक्रीज हो गया और वो पहुंच गया वापस सपोज करो 729 पे, या छोड़ो एक अच्छा सा नंबर लेते हैं 786 पे। परसेंटेज चेंज हुई कितना होगा, डिक्रीज होगा। मान लो चार ऑप्शन है, एक ही में डिक्रीज लिखा है और कोई बंदा कैलकुलेट कर लिया एक मिनट, उसको कितना रिग्रेट होगा, समझ आया क्या? तो हमेशा ऑप्शन पहले देखा करो एग्जाम में। सात सौ छियासी कर तो ऑप्शन बना रहा हूं। ये चार ऑप्शन, अब मैं कितने लोग बिना पेन चलाए कर रहे हो, मतलब कुछ भी नहीं लिख रहे, मतलब मैं सिर्फ खुद, मैं बिना कुछ ट्राई करना अगली बार ना, वो भी मत लिखो एग्जाम में, लिख लेना भले, अभी के लिए मैं बोल रहा हूं। लक्ष्य लक्षित आंसर तो भाई अब तो सही करो। रिदम आंसर दो, इतना लेट क्यों हो रहा है? मैं ये जिस चीज करा रहा हूँ ना, इसी को क्वेश्चन में डेटा में डाल देंगे तो एक सेट बन जाएगा, मैं उसका कोर चीज करा रहा हूँ कैलकुलेशन, ठीक है? क्योंकि सेट मैं सीधे सेट शुरू कर दूंगा ना, तो फिर अंत में तुम पूछोगे सर ये जल्दी कैसे करें, तो मैं पहले यही करा देता हूँ फिर सेट शुरू करेंगे। अच्छा इसमें कैलकुलेटर यूज करोगे? नहीं करेंगे। अब देखो मैं जल्दी से कैसे करता हूँ, देखो अब अगर एग्जाम में दे रहा हूँ तो मैं खुद ऑब्वियसली बात है सेफ्टी के लिए मैं मन में नहीं करता सब कुछ, मैं लिखता हूँ क्योंकि कभी कभी लिखना ज़्यादा फास्ट होता है। 2 - 6 = 6, 1, ये 12 बनेगा 4 और ये 5, बस इतना पेन चलाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं चलाऊंगा। अब ध्यान से देखो, इतना ही चलाया था क्या? हाँ फिर ठीक है 546। अब हम सोचेंगे इसके हिसाब से, किसके हिसाब से, इसके हिसाब से, इसका 10% कितना होता है 133.2 को साइड में रखो क्योंकि ऑप्शंस दूर है। 133 का अगर तुम देखोगे 13 का टेबल याद है, 13 के टेबल में 50 कब आता है, तो सीधे हम 40 पे जाएंगे सीधे। अब इसका 4 टाइम्स करेंगे मन में, कैसे करेंगे 133 * 4 मन में कर, तोड़ के कर 130 * 4 520 और 3 * 4 12, तो 532 हो गया। ये मेरा हो गया 40%, समझ आया खुशी? क्या किया मैंने, 10% को 4 टाइम्स किया है बस, और कुछ नहीं किया, बस इसको मन में किया है 532। तो मुझे दिखेगा अच्छा ये तो इसके बहुत क्लोज है, तो ये तो गया, ये तो पक्का गया, ये बहुत दूर है, ये भी बहुत दूर है, ये आंसर हम टिक लगा देंगे, समझ आया? क्योंकि अगर तू सोच 45 अगर मैं देखूँ तो 45 के लिए मुझे इसका आधा जोड़ना पड़ेगा, ये 10% है ना, 60 जोड़ना पड़ेगा, ये 60 की दूरी पे थोड़ी है, जस्ट बगल में है, 10 ज़्यादा है, समझ आया? और अगर मुझे मान लो ऑप्शन में 41, 42, 43 है तब क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे, इसमें 1% जोड़ेंगे, 1% होगा कितना 13, इसी मेरा काम हो गया क्या? तो आंसर एग्जैक्ट आंसर 41.1 वगैरह होगा, कैलकुलेटर में चेक करो। समझ आ रहा है क्या? ठीक है अब हम नेक्स्ट चीज स्टार्ट करते हैं। अब एक सेकेंड, इसका 1% होगा 13.3, 13.32,
और यहाँ पे भी मैंने थोड़ा कम लिया था ना, यहाँ पे भी 532 मैंने लिया, 133 का वो कायदे से 0.8 भी होगा, ये 2 छूट गया था ना, तो अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो देखो हाँ 8+3 ज़्यादा हो गया, इसलिए 50.9 है, बट चलता है, 51 आंसर है, समझ आ गया। अब मैं और क्वेश्चंस अभी नहीं कर रहा, बट मैं क्लास के बीच में अचानक से पूछ लूँगा, नाम लेके उसको बताना होगा। अच्छा ये तो हमारा लक्षित का आंसर बी था, हमारा आंसर क्या था, ए या बी, बी क्या था, 45, लक्षित बी गलत है, समझ आ गया। राहुल किसी कंपनी का सेल जो था ना मान ले 890 था, और मैंने अब बोला है कि वो ना 200% डिक्रीज हो गया, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अब ये प्रॉफिट में है, हो सकता है लॉस में चले जाए कंपनी, कितना, क्वेश्चन समझ आया। एक कंपनी है जा सकती है 200% लॉस में, जा सकती है, बस वो गई। मैं कह रहा हूँ कंपनी थी जो इतना लास्ट ईयर इतना बेचा था, इस साल उसको 200% का लॉस हो गया, कितना हो जाएगा वैल्यू, आंसर दे भाई, पक्का पक्का, तुझे समझ नहीं आया, चल सोच, अगर मैं 100% का लॉस बोलता हूँ यहाँ से तो जीरो पे आ गया, और 200% मतलब फिर से 890 घट जाएगा, ये होगा, समझ आए, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कंपनी ने 200% प्रॉफिट कमाया है, तब कितना हो जाएगा वैल्यू, डबल या ट्रिपल, ट्रिपल, क्यों ट्रिपल, क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ को 100% इंक्रीज करता हूँ तो वो एक्स था और एक्स ऐड होकर 2x हो जाता है, तो अगर 100% ये लिख सकते हो कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं किसी चीज़ को 100% बढ़ाता हूँ तो वो हो जाता है डबल, अगर मैं किसी चीज़ को 200% बढ़ाता हूँ तो वो जितना था उसका डबल उसने ग्रो किया है और हो गया है ट्रिपल, समझ आया, इसको लिख ले, अगर मैं 400% बढ़ाऊँगा तो कितना टाइम्स हो जाएगा, 5 times, ठीक है, समझ आया लक्ष्य, लक्षित 1780 ऐड करेंगे तो वो ट्रिपल होगा, ठीक है। सरदर्द होना शुरू हुआ क्या, सरदर्द अभी नहीं हो रहा ना, होगा अभी कराऊंगा, मेरा पैर दर्द हो रहा है, इतना ही मुड़ता है अभी, पूरा नहीं जाता। चलो देखो अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये सवाल है, टाइमर लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, और टाइमर कैसे लगेगा, पीयूष तेरा, तुझे समझ आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, पर तू लेट आया, मैं किसी और को पकड़ता हूँ, शिवम तेरा ये क्वेश्चन है और तुझे बोलना है, तेरे से पहले किसी और को नहीं बोलना है, लग गया टाइमर, ठीक है, करें, प्रेशर आ गया, चला जा बाथरूम से। चल मैंने इनिशियल फाइनल दे दिया है, तुम्हें क्या बताना है, परसेंटेज चेंज, अब ग्राफ के अंदर हो सकता है, ये हो सकता है लाइन ग्राफ के अंदर डेटा हो सकता है, बार ग्राफ के अंदर डेटा हो, मैं ग्राफ नहीं बना रहा, ठीक है, क्योंकि अंत में कैलकुलेशन ही करना है, इजी वैल्यू ले रहा हूँ शिवम, जल्द इधर ऑनलाइन भी आंसर देना, कितना, तू ना उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा और कुछ नहीं कर रहा, 100 सब गलत, चलो और बोलो, जितने लोगों ने बोला दोबारा मुंह मत खोलना आप इस क्वेश्चन में, जब मुंह नहीं खोलना दिमाग क्यों लगा रहा है, तो खोल चुका था, कितना बोला है, आंसर बोल, कितना बोला था,
एक लिख रहा है 196% एक का आंसर है, ये क्लोज है। एक ने लिखा है 20%, साफ गलत। 203, तेरा क्या था? तूने 200% बोला है, ठीक है तेरा कंसिडर कर लेता हूँ। अब ध्यान से सुनो कैसे, अब देखो अभी तक मैंने पढ़ा दिया, फिर मैंने अलग अलग क्वेश्चन दिया, नहीं हो पाया तेरा हुआ। करें बिना पेन के करें? चल देखो, अब मैंने इससे पहले थ्योरी दे दिया था इसका, डबल ट्रिपल। अब ये वैल्यू देखोगे ना तो डबल ट्रिपल चार गुना ऐसा कुछ है, तो किसके ज़्यादा क्लोज है? डबल से ज़्यादा है, बड़ा है क्या? इसका डबल कितना होता है? 116। और ट्रिपल कितना होता है? 50 × 3 कर और 8 × 3 को जोड़। ये समझ आ गया? भाई मेरी एज हो गई पर इतना भी खत्म नहीं हुआ अभी, ठीक है जब मैंने सोच के, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो, ये किसके करीब है? इसके करीब। अब ये जो है ना, ध्यान से देखना, ये इसका डबल है मतलब 100% इंक्रीज, और ये इसका ट्रिपल है मतलब 200% इंक्रीज। तो जो बिल्कुल ऊंचे स्वर में दावा ठोक रहे थे ना कि 200 तो कभी नहीं हो सकता, उनके लिए है ये, वो कह रहा था वैसे मैं मात। हाँ तेरा और शिवम का सही है, समझ आ गया कैसे किया? ये तो हो गया वो तरीका कि मुझे दिखा डबल ट्रिपल के करीब है, क्वेश्चन खत्म। अगर मैं उससे करता जो अभी तक हम कर रहे हैं डिफरेंस लेके, तो डिफरेंस कितना है इसका? और नीचे क्या आएगा? 58। समझ आ रहा? अब तुम सोचोगे तो अब यहाँ दिक्कत क्यों आती है सोचने में, क्योंकि अब तुम देखो ये इंटू 100 है, तुम अगर इसको काटोगे तो लगभग 2 times कटेगा। अगर तुम 10% करोगे ना, 10% 5.8 है, और फिर इसको करते रहोगे 20, 30, 40, 50, 100 में 58 पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे ये वाला मेथड यूज़ नहीं करते, तुम पहले डबल करके करीब चले जाओ, फिर उसके बाद करो। अच्छे समझ आ गया? अब इसको लिख लो, ये अलग टाइप का क्वेश्चन था। और अगला सवाल टाइमर लगा के मैं पूछ रहा हूँ, तुझे समझ आ गया ना क्या कर रहे हैं पीयूष? तेरा सवाल है अगला। बोर तो नहीं हो रहा? ठीक है। तेरा कितना सही हुआ अभी तक? 10, बाकी सब सही थे। सौरभ अभी तो इसका सवाल है, नेक्स्ट तेरा है, ठीक है तैयार रहना। अगर तूने अभी मैं इसको हरा दिया तो तेरा सवाल स्किप कर दूंगा, ठीक है? तो तुम दोनों में कंपटीशन है अब। कितना मजा आता है बच्चों के मजे लेने में। चलो स्टार्ट करें। इनिशियल वैल्यू ले रहा हूं मैं, चल तू बोले इनिशियल वैल्यू, बोल दे 2 digit, बोल दे कुछ भी, और फाइनल बोल दे, बढ़ा से लेना कुछ 3 digit में। चलो बताओ, मेरा आ गया, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं चलेगा, चल 6 पगला गया है क्या? 5 गुना है क्या ये? पक्का 6 गुना होता तब 500 होता, पहली बात तो 6 times होता है ना तब 500 होता है। अदिति आंसर क्या है तेरा? गलत, तेरा मैं 450 सुन चुका हूँ, ये तेरा है और ये गलत है, अब चुप रहे। तेरा भी वही था भाई, चुप रहे तू, ठीक है तेरा। ओए भाई तुम दोनों इधर ऑनलाइन में 360, 351, ठीक है। मैंने देख क्या लिखा है, दिख रहा है क्या? 345 मैंने लिखा था और मेरा 10 seconds लगा था, क्वेश्चन इसका था। मेरा गलत है क्या? एक सेकंड भाई, अभी भी गलत है, रुक जा देखते हैं। चेंज कर रहा है ना 450, तुम दोनों ने चेंज किया है।
देखो मैंने 350 लिखा था, 345 लिखा था, मैंने चेंज नहीं कर रहा हूँ। स्टार्ट करें, करें स्टार्ट, ठीक है। करें, अब चुप हो जाओ प्लीज। सबसे पहले मैं इसको 10% से नहीं सोचूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। 10% 7.2 है और चेंज बहुत ज़्यादा का है, चेंज मैं निकाल भी नहीं रहा। मैं सबसे पहले करीब पहुँचूंगा, 72 फोरजा होता है 280 और 5जा होता है 350, तो मैं 4जा निकालूंगा 4 times, और 4 times जो होता है वो 300% होता है। तो आंसर 300 से बड़ा है, 400 से छोटा है, तो तेरा गलत, ठीक है। अब 4 times कितना होता है, 288। तो 288 तक तो मैं पहुंच गया। अगर ये 288 होता तो ये 4 गुना होता, तो ये 3% 300% होता। यहाँ तक समझ आ गया? एक बार वापस डाइजेस्ट करो, बात मत करो प्लीज़, जब मैं समझा रहा हूँ तो बात मत किया करो। एक बार वापस सोचो मैंने क्या बोला, ये क्लियर है? नहीं आया, नहीं आया, वापस बताओ। देख सबसे पहले मत करना प्लीज, मैं क्या बोल रहा हूँ, इनिशियल वैल्यू 72 है और मैं बड़ा चेंज है तो मैं टाइम्स में देख रहा हूँ कितना टाइम्स है। तो 7 4 28 होता है और 7 5 35 होता है, तो ये उससे 5 times से छोटा है ना। तो मैंने देखा कि 4 times होता कितना है, 288 होता है। तो 288 अगर होता तब 4 times होता, और 4 times मतलब कितना परसेंट चेंज होता है, 300%, क्योंकि वो x खुद था और 3x बढ़ा है, 4x हुआ है। अब समझाया? तो यहाँ तक मैं पहुँच गया। अब मुझे देखना है कि 288 के बाद एक्स्ट्रा कितना है, लगभग 40 है क्या, लगभग 328 हो जाएगा, तो लगभग 40 एक्स्ट्रा है। तो अब मैं निकालूंगा कि कितना परसेंट और जोड़ना है मुझे 300 में। अब 72 का आधा होता है 36, तो ये आधा से ज़्यादा है, तो 50% से थोड़ा ज़्यादा होगा, 351-52 पे टिक लगा देंगे, ठीक है। सही था, मुझे पता है किस किस का सही था। अब समझ आया अच्छे से, फास्ट है मेथड, अगर तुम कैलकुलेटर से करोगे उससे ज़्यादा फास्ट है ये, क्योंकि मैंने कर दिया था, ठीक है। और जब मैं कर सकता तुम भी कर सकते हो, प्रैक्टिस लगेगा बस, ठीक है। नहीं आया समझ, अच्छे से आ गया ना, ठीक है। अब मान लो, अब चुप हो जाओ प्लीज़, ऑप्शन में 350 है, 360 है, तब मैं क्या करूँगा, तब मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि 355 से बड़ा होगा तो मुझे 360 लेना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा क्लोज जाऊँगा, मैं एग्जैक्ट चेंज निकालूंगा। तो एग्जैक्ट कितना है, 40 जोड़ के आ रहा था, 37 का चेंज है ना, घटा के देख, 5 - 8 = 7, 37, और इसका आधा 36 होता है, ये बिल्कुल ही, ये 350 के बिल्कुल करीब है, समझ आया? क्योंकि इसका आधा 36 होता है ना, 50% ये है, तो ये 351 ही आंसर है। मतलब मैं एग्जाम में अगर ये है तो ये ही चूज़ करूँगा, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, सौरभ तेरा क्वेश्चन है ये। अभी तक कोई भी अपने टारगेट को, तेरा शायद एक था क्योंकि इसका सबसे पहला सही आंसर उसी का था। चलो एक क्वेश्चन माधव बना, इनिशियल भी 3 digit में लेना और फाइनल भी 3 digit में लेना। बकवास सवाल, आंसर आ गया मेरा। अब तूने दे दिया तो 100 रुपए, हाँ इजी सा है, साफ साफ दिख रहा है। डबल है सीधा, क्या लिया है, आप इसको करने दे। तो समझ आया इजी क्यों है, सीधे डबल किया उसके पास है। अब मैं ऑप्शन दे देता हूँ, चलो इस क्वेश्चन में 105%, 103%, 109% और 101%, ऐसे ऑप्शंस होते हैं। सुन लिया मैंने, देखते हैं। अदिति अच्छा, एग्जाम में अगर तुम, एग्जाम में क्या होगा, अगर एग्जाम में हल्का सा भी कंफ्यूजन है, कैलकुलेटर खोल लो। मैं 10-15 सेकंड बचाने के चक्कर में गलत नहीं करना चाहता, अगर कॉन्फिडेंस है तभी टिक लगाना, ठीक है। लेकिन हर एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं है, तो हमें प्रैक्टिस कैलकुलेटर की नहीं करनी है, ठीक है। देख लेते हैं कितने लोगों का, इधर 103 है मेजोरिटी, इधर सबका 103 है ऑनलाइन में, इधर 105 किस किस का था, 4-5 लोगों का 105 है, बाकी सबका 103 है। करें करें
देखो सबसे पहले सवाल वाहियात क्यों बोला था मैंने, क्योंकि डबल के पास था, बट अब ये ऑप्शन देने के बाद अच्छा हो गया, तो मैंने इसको अच्छा कर दिया माधव, ठीक है। देखो अगर मैं इसका डबल करूं तो 562 आ गया, तो 100% तो आ चुका है, मतलब 100% हम आगे बढ़ चुके हैं। अब मुझे और कितना चाहिए, एक सेकंड खुशी, और कितना चाहिए? ये समझ आ रहा है, 100% चेंज हो चुका है, मतलब डबल हो चुका है। अब मुझे 10 और देखना है, तो 10 इसका कितना परसेंट होता है ये हमें निकालना है। तो अब तुम देखो 10% 28 होता है, तो 110 से तो छोटा आंसर है, अगर 110 से बड़ा ऑप्शन होता तो हम हटा देते, जैसे इसको मैं ऐसे हटा सकता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा है, 9%। अब हम 1% देखेंगे, खुशी 1% होता है 2.81, अब 28 का ट्रिपल होता है 8.4, वो हो जाएगा 3%, और 4% बड़ा हो जाएगा वो होता है 112, तो 80 103 और 104 के बीच का वैल्यू है, तो मैं यही चूज करूंगा, ऑब्वियस सी बात है 105 गलत है। अच्छे से मजा आ रहा है, नेक्स्ट सवाल किसका बनाऊं, तुम्हारा बना? अच्छा समझ नहीं आया, जाना है हो, यही कराऊंगा, कंसेप्ट आ गया है ना, बाकी इसके बाद का रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्ड हो रहा है, मजा आ रहा है जब तक इनको मजा आएगा। अरे नंबर प्रैक्टिस से तो करा रहा हूँ, तुम रिकॉर्डिंग में क्या करना, इसको देखना, पॉज कर देना, सॉल्व करना, आगे मैच कर लेना, और टाइम कम वेस्ट होगा। क्लिप डाल दो, जॉब छोड़ दो। कंसेप्ट खत्म हो चुका है अभी के लिए, अगले वीक देख लेंगे टाइम, अभी ठीक है। एक काम करो ना, ईयरफोन लगा लो और ये लाइव चल रहा है सुनते हुए जाओ। और वो जा भी वहां रही है मोती डूंगरी, वो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होता है ना, सीसीटीवी वीडियोस आते हैं, इधर उड़ रहा है कोई इधर। हाँ इनिशियल आयुष, इनिशियल बता, जितना गंदा नंबर हो सकता है। अब चल फाइनल एक काम कर, डिक्रीज कर दे, हाँ कुछ छोटा ले ले, चलो ठीक है, ऐसे ही मेरा शेयर गया। परसेंटेज चेंज बताओ, और ये क्वेश्चन है निश्चय तेरा, तेरे से पहले किसी का नहीं आना चाहिए। डिक्रीज, डिक्रीज है पहली बात, ये पता है इसको डिक्रीज बोलते हैं, कम होने को, ठीक है। ऑप्शन के लिए मुझे भी सॉल्व करना पड़ता है, चल कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। खुशी जॉब से ज़्यादा क्लास इंटरेस्टिंग है ना, ठीक है इसलिए कह रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम ले लो ना, एक मेडिकल बनवा लो, अरे वो सुन लेंगे, एक सेकेंड रिकॉर्ड।
क्या आंसर है? 75 और 78 नहीं है तेरा तेरा। देखो कैसे सोचते हैं जल्दी से। सबसे पहली बात मैं देखूंगा कि अब ध्यान, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ और ये नई चीज है, मतलब अभी तक जो क्लास हुआ है उससे अलग है। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि डिक्रीज है, तो डिक्रीज में सबसे पहली चीज मैं देखता हूँ आधा। तो अगर आधा देखूँ तो 380 कुछ होगा, 390 होगा, मान ले 390 होगा वैसे तो 390। अगर ये 390 होता ना तब ये होता 50% डिक्रीज, आधा। ये समझ आया? लेकिन ये आधा से और कम है। अब तुम देख, मैंने देखा कि अगर मैं इसको, इसका 18 4 72 होता है, मतलब ऐसा सोच सकता हूँ कि लगभग एक चौथाई हो गया। ऐसा सोच सकते हो? ध्यान से सुनना, डेटा इंटरप्रिटेशन में तो होता है डेटा को तुम कितना इंटरप्रेट कर रहे हो। तो अभी मैं डेटा को इंटरप्रेट कर रहा हूँ बिना लिखे, तो मैं देखूंगा कि 78 है ये, उसका 1/4 के करीब 18 होता है, 18 × 4 72 होता है ना, 19 × 4 76 होता है। तो मैं देखूंगा कि इसका 1/4 निकाल के देखता हूँ कितना आता है। अगर कोई चीज़ 1/4 हो रही है तो कितना परसेंट डिक्रीज हो रही है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ। अगर कोई चीज़ 1/4 पे पहुँच गई, कोई शेयर मार्केट में मान लो कोई पैसा लगाता है कभी, ठीक है, मान ले लगाया और तेरा पैसा जितना लगाया था ना 1/4 हो गया, मतलब 100 का 25 हो गया, तो डिक्रीज कितना होता है? 3/4 75। तो अगर 1/4 वैल्यू हो जाती है तो डिक्रीज होता है 75%। सुन ले यार, अगर कोई चीज़ 3/4 के लगभग हो गई है तो डिक्रीज होता है 25% का। अगर कोई चीज़ हाफ हो गई है तो डिक्रीज होता है 50% का। कोई चीज़ अपनी का 40% हो गई है तो डिक्रीज होता है 60% का। समझ आ गई? ठीक है। तो मैंने देखा कि ये 1/4 इनका, इसका 1/4 कितना होगा, 780 का कर लो, 195 हो रहा है इसका 1/4। समझ आया? मतलब अगर मैं 780 ले लेते हैं, इससे अगर मैं 195 पे पहुंचता तब होता 75% का डिक्रीज। यहां तक समझ आ गया? लेकिन और घटा है ये और घटा है, तो 13 और घटा है, तो 75 से थोड़ा ज्यादा जाना पड़ेगा। मैंने इसलिए 78 डाला था क्योंकि मैंने यही सोचा था यहाँ पे, मतलब 75 तो मुझे दिख गया था, फिर मैंने सोचा थोड़ा और होगा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 1-1% घटाऊंगा। तो इसका 1% कितना होता है? 7.8। तो 7.8 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा, ये जो वैल्यू आएगी ना ये होगी 76%। ये 1% और घटाया है। यहाँ पे बच्चे सिली मिस्टेक क्या करते हैं, 75 को 74 कर देते हैं। ये टिक माइनस में चल रहा है ना, तो माइनस में है तो और घटेगा, तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 188 हो गया लगभग। हमें कहाँ पहुँचना है? तो हमें 1% और घटाना पड़ेगा तब ये पहुँचेगा 77% और वो होगा 182 181 के करीब। तो आंसर क्या होगा, 76% कायदे से है, मतलब ऑप्शन मैंने सोचा नहीं था, मैं 76 देना चाह रहा था। अब समझ आ गया? मतलब अभी के लिए, अभी के हिसाब से तो यही चुनूंगा मैं, सही है, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से वही चुनूंगा। अच्छे समझ आ गया कैसे करते हैं? अब ये क्या है कि मैं पूरा प्रोसेस वाइज लिख के बता रहा हूँ, एग्जाम में प्रैक्टिस करोगे ना बहुत जल्दी हो जाएगा। कैलकुलेटर से देखना आंसर क्या है इसका, कितना रहे, ठीक है, समझ आ गया? हाँ नहीं बताओ। अरे तू यही पूछ रहा है ना कि सर डिफरेंस ले लेंगे 7, 9 और 5 और नीचे ये करेंगे इनटू 100, यही पूछ रहा है ना? दो ही तरीके होते हैं, पूछ पूछ। अरे मुझे संजय दत्त का मीम याद आ गया, नहीं देखा, अब बोल दे। हाँ तो अप्रोक्सीमेशन तू कितना करना चाहिए बता, किसको कितना चेंज करूँ, इसको 600 इसको 800 ऐसा हंस कह रहा है, सही तो है ऐसा, इससे क्या फायदा हो गया मेरा? तो मैं कौन सा पूरा ले रहा हूँ, मैं खुद 780 का 1/4 किया है, ये मैंने इसका थोड़ी किया है, 780 का ही किया है, ठीक है, तो कर सकते हैं, लेकिन यही है कि इसको तो 800 मत कर देना, ठीक है, क्योंकि तूने इसको ज़्यादा चेंज कर दिया, इसको 3 ही चेंज किया है, तो उसमें थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। देखो इसको ना करने का तरीका क्या है, तू एक मैं क्वेश्चन भेजूंगा, 50 उसमें ऐसे क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ ना, उसमें 50 ऐसे क्वेश्चन है, तो तू अपने आप प्रैक्टिस से सीख जाएगा कि मेरा अगर ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट कराऊँ तो आंसर मैच नहीं होता। अगर ऑप्शन बहुत ज़्यादा ही दूर है तो फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन हल्का सा भी क्लोज है ना तो दिक्कत हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो मैं एक और चीज़ सिखाता हूँ, देखो अब मैं तुम्हें एग्जाम में
सब कुछ करने के बाद, सारा कैलकुलेशन करने के बाद, अगली क्लास से मैं सेट्स सॉल्व करूँगा, अभी मैं सिर्फ वो बता दे रहा हूँ जो लास्ट में बनता है एग्जाम के क्वेश्चन के कैलकुलेशन। मान लो कि कैलकुलेशन ऐसा बन गया, 86 अपॉन 139। अब ऑप्शन तुम्हारे पास चार हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू तुम लोग क्या, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, तुम इसकी वैल्यू कितनी होगी अप्रॉक्स, सोच के बताओ, अप्रॉक्स वैल्यू बताओ। चलो तुम्हें एक चीज़ सिखाता हूँ मैं, अगर मैं इसको एग्जैक्ट करूँगा मतलब इनटू 100, अब तो मैं खत्म हूँ, काटना पीटना नहीं है। हम क्या करेंगे, दो चीज़ें कर सकते हैं, जैसे पुनीत ने बोला सर अप्रॉक्सीमेट करते हैं। अब मान लो मैं इसको 140 ले रहा हूँ और एक जगह में 130 ले रहा हूँ, मतलब मैंने ज़्यादा चेंज किया, तो देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है आंसर में, ठीक है। अगर मैं ये 14 ले रहा हूँ, अभी भी पेन नहीं चलाना, अगर टेबल्स याद है तो पेन नहीं चलाना होता, टेबल्स याद है तो हम क्या करेंगे, 14 6 84 सही है ना, हाँ, फिर 2 कैरी होगा, 14 1 14, फिर 6 कैरी होगा, 14 4 56। ये समझ आया, ये क्या क्या समझ आया, मन में वही चीज़ करा जो तुम लिख के करोगे। अगर 13 है तो आंसर देखना कितना चेंज हो जाएगा, 13 6 78, अब 80 कैरी हुआ, 13 6 78, तो ये सीधे 5% का फर्क पड़ गया। समझ आया क्या, तो समझ आया, कुछ ज़्यादा चेंज कर दिया ना, 9 का चेंज कर दिया है कितना, चल तू अप्रॉक्स बता, ये पहले ये समझ आया कितना चेंज हो गया, ठीक। एक चीज़ देखते हैं अब एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, तू बताना पंकज, ये ए है ये बी है, कौन सा बड़ा है, ए या बी, थोड़ी देर पहले बताया था, चुप, तेरा नाम पंकज है नाम, अच्छा दोनों की आवाज़ एक जैसी, एक बार बोलना यस, एक बार यस सर बोलो, तू बोलना, हाँ इसके पास भारी है, ठीक है, ए बड़ा है, क्यों, डिनोमिनेटर छोटा होता है तो फ्रैक्शन बड़ा होता है, मतलब आंसर हम 61.678 वगैरह चूज कर लेंगे, ये करेंगे और ट्रिक ये लगाएंगे। अच्छा अब देखो, ध्यान से सुनते रहना, भी बहुत सारी चीज़ें करूँगा। अब किसी बच्चे ने सोचा कि यार मैं इसको 9 घटा रहा हूँ तो ऊपर भी थोड़ा सा घटाता हूँ, क्या समझ आया, अब ऊपर तुम लोग अब ध्यान से सुनते रहना, अगर मैंने, मुझे निकालना है, मैं इजी वैल्यू लेता हूँ, मुझे मान लो निकालना है 17 अपॉन 20, ठीक है, या 20 छोड़ो 18, अब ऊप यहाँ 17 बेटो 11 ले लेते हैं, ठीक है। अब तुम लोग सोचते हो यार मैं ऊपर नीचे इसको 20 बना देता हूँ दो बढ़ा के, तो ऊपर भी दो बढ़ा देता हूँ, दोनों सेम होंगे क्या, नहीं, क्यों सेम नहीं होंगे, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है, अगर तुम लोग ऊपर नीचे नंबर को, जैसे कि ऊपर भी कुछ बढ़ा दिया, एक फ्रैक्शन था ए बाई बी, अब तुमने ऊपर भी सी बढ़ा दिया नीचे भी सी बढ़ा दिया, तो फ्रैक्शन जो है वो बड़ा हो जाता है, करके दिखाऊं, जैसे मैंने 1/2 लिया है, इस ऊपर 10 जोड़ नीचे भी 10 जोड़, अब ये है 50% और ये देख 12 × 8 12 × 9 होता है 108, 90% के करीब हो गया, इतना बड़ा चेंज हो गया, तो ऊपर नीचे सेम नंबर ऐड करने से वैल्यू चेंज हो जाती है। समझ आया क्या, ये क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है, तो अगर तू ऊपर 2 घटा रहा है ना नीचे 2 बढ़ा रहा है, तो ऊपर 2 नहीं बढ़ाएगा, ऊपर कितना बढ़ाएगा वो मैं समझाऊंगा, अब ये समझ आ गया डिफरेंस क्या है, मैं अप्रॉक्सीमेशन ही सिखा रहा हूँ, तो ऊपर कितना बढ़ाते हैं ध्यान से देखते रहना, ध्यान से देखते रहना, जैसे मैं 1/2 है तो ये इसका डबल है, तो तुम्हें ध्यान रखना होता है कि रेशियो सेम होना चाहिए बढ़ाने का, तो अगर मैं नीचे 4 जोड़ता हूँ तो डबल है, तो ऊपर 2 जोड़ूंगा, तब देखो हमेशा सेम रहेगा, देखो इसमें 2 जोड़ दो, इसमें 4 जोड़ दो, ये हाफ रहा, समझ आ रहा है, अगर मैं नीचे जोड़ना चाहता हूँ 20 तो ऊपर क्या जोड़ूंगा, रेशियो सेम होना चाहिए, मतलब ये रेशियो 1/2 ही होना चाहिए, तो अगर ये देखो लगभग ये डबल से थोड़ा सा कम है, तो अगर तुम नीचे 2 जोड़ रहे हो ना तो ऊपर एक से थोड़ा सा ज़्यादा जोड़ोगे, 1.2 या 3 जोड़ दो। अब समझ आया क्या, क्या बोला मैंने, समझ नहीं आया तुम्हें, आ गया समझ, मैं आधा से थोड़ा बड़ा है ना, तो आधा से थोड़ा बड़ा जोड़ूंगा, तो अगर मैंने 2 जोड़ा है तो 2 से के आधा से थोड़ा ज़्यादा जोड़ूंगा, तुम्हें समझ आ रहा है दीदी, यहाँ मैंने 2 जोड़ा है, अब ये डबल से थोड़ा सा कम है, तो ऊपर मैं 1 पॉइंट कुछ जोड़ दूंगा अप्रॉक्सीमेशन, तो अब देखो ये सही आंसर होगा, 12.2 अपॉन 20 करोगे ना तो 66 आ रहा है, लगभग 61 आ रहा है, अब इसको कैलकुलेटर से करना, या ऐसे कर लेते हैं, 18 6 108 30 बना, 18 1 80, देखो मैच कर गया, समझ आया सबको,
अच्छे से क्लियर है? अगर मैं इसको दो बढ़ा देता ना 13/20 तो 65 बन जाता, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता। अच्छे से क्लियर है? अब इसका एप्लीकेशन, हाँ बोल। पहली बात 86 और 130, अच्छा इसकी बात कर रहा है, हाँ बोल। तो वही यहाँ पे अगर तुझे चेंज करना है ना, जैसे तूने 130 बनाया तो तूने 9 घटाया है, ऊपर क्या घटाएगा ये देखो, आधा से ज़्यादा है। तो 9 का आधा कितना होता है? जैसे मैं इधर इधर मैंने 9 घटाया तो इधर आधा से थोड़ा ज़्यादा, मतलब 6-7 घटाऊंगा, पूरा नहीं घटाऊंगा अप्रॉक्स। तो 80/30, अब इसको सॉल्व करें, 13 7 13 6 78, फिर बच गया 2, तो देख 61 आ रहा है, आ रहा है 61। ऐसे करना होता है, अब समझ आ गया चेंज, अब समझ आ गया चेंज कैसे करते हैं। अगर मुझे, अब मैं बताता हूँ इसका, इसका भी बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है। जैसे मान लो एग्ज़ाम में ना मेरा कैलकुलेशन आ गया है 93/191, 93 हटाओ 83। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? तुम कैलकुलेटर से फास्ट कर सकते हो आराम से, कैलकुलेटर मत खोलना, कैलकुलेटर से करा जा सकता है लेकिन हर एग्ज़ाम में नहीं है, जो मैं 10 बार बोल चुका हूँ। इसको करो, इसका अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगी, मतलब तुम्हें ये निकालना है, इंटू 100 है अप्रॉक्स। देखते हैं, इतने सारे तरीके सिखाए मैंने, कोई भी लगा के आंसर बता दो। 10% से सोच लो, अप्रॉक्सीमेशन से सोच लो कि 200 बना देंगे तो क्या होगा, ऐसे। देखो मुझे अच्छा 19 से अच्छा है, 200 बनाते हैं इसको, 200 बहुत आसान हो जाएगा। एक काम करते हैं, 200 बनाने के लिए मुझे नीचे क्या जोड़ना होगा, 9। अब ऊपर 9 जोड़ूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ये इसके आधे से छोटा है, दिख रहा है, आधे से थोड़ा सा छोटा है, तो इसका आधा से थोड़ा छोटा मैं 4 ही जोड़ देता हूँ, 4.12 जोड़ दूंगा। अब 4 जोड़ने से ये क्या बन जाएगा, वह 87। अब ये कितना हो जाएगा, 43.5%। देखना कैलकुलेटर में, देखा, समझ आ गया। 48 कहां से बोल दिया तूने, 50% इसका होता है 95, उससे 12 कम है। अच्छे से क्लियर है? ये ट्रिक तुम्हें किसी को नहीं पता होगा। एक और करें, क्या नंबर लो, तू ही ले। पता है बच्चों की बोलता हूँ नंबर लेना, इन केस कुछ टफ बन गया तो गाली वो सुनेंगे ना, मैं क्यों सुनूं। बता, 1। चलो ठीक है, जो भी दिया सॉल्व करो इसको, 5 है। ये 3 कहाँ से लग रहा है, अच्छा एक काम करेंगे, अगले में ना तुम लोग मुझसे सवाल पूछना, मैं देखता हूँ कितना टाइम लेता हूँ। कोई भी मेथड लगा लो चिराग, तू आंसर देगा। एक तो क्लास में च्युइंगम मत खाया कर, ठीक है, चाहे च्युइंगम खाने की वजह कुछ भी हो, वजह ही मत किया कर फिर। च्युइंगम खाने की वजह क्या क्या होती है, एक तो ब्रश करके नहीं आया हो तो, और बिल्लू सांडा जानता है, बिल्लू सांडा को तू जानता है, बिल्लू सांडा को, अरे हाडा, बिल्लू सांडा को जानता है, नहीं देखा है, इससे पूछता है मर्डर क्यों किया, बोला शौक है। हाँ वही तो है बिल्लू सांडा, मैंने कर दिया, शौक है। आंसर क्या है, 50, 1, 2, 3 सब ऑप्शन में, आप बता। देखो कैसे करते हैं, अब मैं इसको 200 बनाऊंगा, चल 200 बनाते हैं, ठीक है, दौसा बनाते हैं इसको, 25 जोड़ के ये दौसा बन गया, ठीक है। अब ध्यान से देख, अगर मैं नीचे 25 जोड़ रहा हूँ तो ये लगभग डबल से हल्का सा ज़्यादा है, मतलब ऐसा सोचो कि यह 25 जोड़ा है, इसका आधा होता है 82, तो आधा से थोड़ा ज़्यादा है,
तो इसका आधा 12.5, थोड़ा ज्यादा मैं 14 जोड़ लेता हूँ। अब ये बन गया 107, कर ले डिवाइड 2553.5, खत्म। अब एग्जैक्ट आंसर देखो इसका, कैलकुलेट ठीक है, चलो चलता है, एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में 53-57 ऐसे होंगे। समझ आया जल्दी से कैसे कर लिया? ये तो हो गया एक तरीका अप्रोक्सीमेशन वाला, कि क्लोज के प्यारे वैल्यू के पास पहुंच गए, मतलब इजी वैल्यू के पास। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको 100 बना दूं, दूसरा तरीका देखते हैं, बस सिखा रहा हूं। अगर मैं 100 बनाऊंगा तो मुझे कितना घटाना पड़ेगा? 100 बना दिया तब तो मेरा एग्जैक्ट आंसर ही ऊपर आएगा, ध्यान से देखते रहना। अब ये 75 है, ऊपर वाला उसके आधे से थोड़ा ज्यादा है, तो 75 का आधा कितना होता है? 37.5, थोड़ा ज्यादा, 40 के लगभग घटाते हैं, तो 93 में 40 घटाओगे कितना आएगा? मजा है, खत्म, 53%। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं कि एग्जाम में तुम ये सोचो कि कौन सा लगाओ, जो दिख रहा है वो लगाओ, जल्दी से लगाओ, लेकिन कैलकुलेटर मत खोलो, और नहीं है तो फिर खोल भी नहीं सकते। अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, जो हम शुरू से पढ़ रहे हैं 10% वाले से। ठीक है, तो 10% होता है 17.5, तो 17 का टेबल याद नहीं है तब तो तुम स्लो रहोगे, याद है तो सोचोगे 17 5 85 होता है, तो 17 5, ये 10% है, तो 50% कितना हो जाएगा? 87.5। अब उससे थोड़ा और बढ़ाना है मुझे, कितना बढ़ाना है? 6 के करीब, तो 10% अगर इतना है तो 1% 1.7 होगा, 1% 1.7 होगा ना, तो ये लगभग देखो 3% के करीब है, तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। तो ये वाला मेथड तो हमने करा ही था, तो किसी से भी कर लिया करो, लेकिन जल्दी कैसे करते हैं, समझ आ गया? इतना ही करें आज या और करें? वो क्लास के बाद, इधर क्वेश्चन दूंगा मैं, पीडीएफ दूंगा, अब उसमें ग्राफ होंगे, सॉल्व करना है। ठीक है, डीआई में क्या होता है, 1% चेंज का क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, और क्या होता है उसमें, रेशो पूछ देंगे। ठीक है, पूछ देंगे कि इस साल अगर 10% बढ़ गया अगले साल क्या होगा, ऐसे करके बाकी सवाल बनाते हैं। अच्छा एक चीज़ बता, अब मैं दो वैल्यूज लेके परसेंटेज पूछ रहा था, अब मैं परसेंटेज लेके फाइनल वैल्यू पूछूंगा। ठीक है, मान ले कि मेरा सेल था 1790 मिलियन डॉलर्स का, और मेरा डिक्रीज हो गया 15% डिक्रीज हो गया, तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? ट्रिक्स आर वेलकम्ड, जो ट्रिक बता देंगे क्या कर सकते हैं हम। कैसे करता है मन में कर, पहले 10% कितना होगा, 180 ले ले, और 90 270, फिर उसको घटा, 270 कैसे घटाते हैं, पहले 200 घटा, 200 घटाया और 90, फिर अब 70 घटा, 1520, एक सेकेंड सही करा था ना हमने, 180 270, फिर तू खुद बोल रहा था क्या? ठीक है मुझे लगा समझ आ गया, फास्ट है मेथड। अब मैं इसमें, अब मान लो एग्जाम में ना एग्जैक्ट आंसर होगा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ ट्रिक, ध्यान से सुनते रहना। अगर मैं 15% पी जाता हूँ, क्या पानी, ठीक है, अगर मैं 15% पानी पीता हूँ तो कितना परसेंट बचता है? बहुत अच्छा पीता है तू, ठीक है 85% बचेगा, मतलब हमारा आंसर क्या होगा आयुष, 85% ऑफ 1790। तो आंसर में हम किसका मल्टीपल चेक करेंगे? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये सब हम ऑप्शन से खेलना सीख रहे हैं। ये नंबर देखो 3 का मल्टीपल है क्या, आता है तो चेक करने, 3 का मल्टीपल न सर, हाँ सही है मुझे लगा था है, मैंने 18 जोड़ दिया था। ठीक है, ये 3 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, सम ऑफ डिजिट करते हैं। अगर डिजिट जोड़ के, जैसे मान लीजिए 279 होता, तो जोड़ के देख 18 आ रहा है, 9 7 16 2 18, तब ये 3 का मल्टीपल होता। अगर सम 18 या 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा तो नंबर भी नहीं डिवाइड होगा, तो 3 का मल्टीपल तो नहीं है। ये 17 का मल्टीपल है, तो आंसर जो है वो 17 का मल्टीपल हम चेक कर सकते हैं। ये अप्रॉक्स आंसर है, इसको चेक मत करना, एग्जैक्ट आंसर होगा ना जो, वो 17 का मल्टीपल होगा। समझ आया क्या बोला मैंने? ठीक है, वैसे मैं बोलता हूँ कि अगर मानो सेल्स 10% बढ़ गया, तो बढ़ के जो भी आंसर आएगा कितना आएगा जल्दी बताओ, जोड़ के बता, असली आंसर बताओ, 10% आसान, जल्दी से जोड़, 179 जोड़ना है, कैसे जोड़ते हैं, 200 जोड़ दे, एक सेकंड, 200 जोड़ दे कितना, 200 जोड़ दे कितना होगा, 199, और 21 घटा दे, समझ आया क्या कितना हो गया,
आ रहा है ये, कैसे क्या समझा? मेंटली कैसे जोड़ते हैं, 179 जोड़ना है तो पहले 200 जोड़ दो, 21 घटा दो, ये ज़्यादा फास्ट होता है। अगर तुम ऐसा सोचो कि 9 जोड़ो फिर कैरी करो, ऐसे नहीं हो पाएगा मेंटली। अब तुम देखो ये नंबर 11 का मल्टीपल है क्या? आता है 11 का टेस्ट? मैंने भी पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा, स्कूल में पढ़ा हुआ है। क्या करते हैं? ऑल्टरनेट ऐड करते हैं, ऑल्टरनेट ऐड करते हैं और ये सब्ट्रैक्ट करते थे, 11 आना चाहिए। याद है ऐसा कुछ स्कूल में? डिविजिबिलिटी रूल सुना है? चलो ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तूने सुना है आयुष? जो भी है 11 का मल्टीपल है, अभी के लिए इतना याद रख। 11 का मल्टीपल क्यों आया? क्योंकि अगर मैं किसी चीज को 10% बढ़ाता हूं ना तो कितना टाइम्स हो जाता है? वो हो जाता है 1.1 टाइम्स। सोच के देख, ये 0.1x होगा, 1 प्लस 0.1 1.1, तो 1.1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आंसर किसका मल्टीपल होगा? 11 का। ये समझ आ रहा है? ठीक है, तेरा सवाल। मान ले कि मेरा इनिशियल वैल्यू 850 है, 840 है, मैंने इसको बढ़ा दिया है, तेरे से पहले आंसर किसी का नहीं आना चाहिए, तैयार हो जा बिल्कुल। 5% बढ़ाया है, आंसर क्या होगा? चुप रहना। आगे तो क्या चाहता है? परसेंट का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो 5% का होता है 1/20, काटेगा ना 5/100, 1/20, तो इसका 20 से डिवाइड कर, 42 आएगा, 42 जोड़ दे, 582। लेकिन मैं एग्जाम में ये करता ही नहीं, मैं क्या करता? अब ये तो इजी क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन में कर लूंगा, लेकिन अगर गंदा नंबर हो तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं 5% बढ़ाता हूं तो नंबर 1.05 टाइम्स हो जाता है। कैसे? कैसे? एक्स प्लस एक्स का 5%, तो ये होगा एक्स प्लस 0.05x, 1.05, समझ आ गया? अब इससे इसमें क्या है, ये जो नंबर है ना, अगर टेबल याद है तो 15 के टेबल में आता है, टेबल याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आंसर क्या करूंगा, देखूंगा कि कौन सा ऑप्शन 3 का मल्टीपल है और फिर कौन सा ऑप्शन 7 का मल्टीपल है, और इसके अलावा मैं एक और चीज देख सकता हूँ, आंसर का लास्ट डिजिट में देख सकता हूँ। कैसे? अगर तू सोचेगा ना कि मेरा आंसर 1.505 × 840, समझ आ रहा है? यही आंसर है मेरा, तो 840 जो है, नहीं हाँ, तो इसका एक डेसिमल तो उड़ जाएगा और ये बचेगा, ये एक सेकंड, आंसर हमारा क्या आया था यहाँ पे, तो आंसर का लास्ट डिजिट, हाँ ठीक है ठीक है, चलो ध्यान से देखते रहना। मुझे 1.05 × 84 करना है, ठीक है? अब 84 था, 8840 था, तो एक जीरो का डेसिमल इधर आ गया, ठीक है? अब एक मजेदार चीज करूंगा, इसको आधा कर दे, क्या बनेगा? और इसको आधा किया तो इसको क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज मल्टीप्लिकेशन को सेम रखना है, तो ये तो आंसर का लास्ट डिजिट दिख गया, 2 होगा। तो मान लो एक ही ऑप्शन के लास्ट में 2 है, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ये सब ट्रिक्स होती हैं, ये प्रैक्टिस से सीखोगे। समझ आया मैंने क्या बोला? क्लियर है सबको? ठीक है, फिर अभी के लिए अब मैं सेट दूंगा, सेट करना, ये कैलकुलेशन वाला खत्म हो गया, सेट तुम लोग को भेजूंगा, तुम लोग घर पर सॉल्व करना, ठीक है? लेकिन अभी करोगे,